ट्वेंटी कप में इनिंग्स खेली, उससे पहले भी आप डोमेस्टिक खेले थे, उसके बाद आप पाकिस्तान टीम में आए हो, तो कैसा आपका ये एक जर्नी रही? और बाकी सब में से मेरे रिक्वेस्ट क्वेश्चंस के लिए प्लीज चैट में बता दीजिएगा, या मैं टर्न बाय टर्न आपसे करता रहूंगा। जी अब्दुल्ला प्लीज। जी, ये काफी अच्छी जर्नी रही मेरी, और इस नेशनल T20 कप मेरा पहला टूर्नामेंट था, तो इसमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही। लाइक मैंने डेब्यू में 100 स्कोर किए और काफी अच्छा परफॉर्म किया, लाइक कंसिस्टेंसी के साथ बीच। और ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे साथ, और जिस टीम में मैं था उसमें भी काफी प्लेयर्स थे और उनसे भी काफी कुछ सीखा ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, एंड काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो मेरे लिए। क्या जी अब्दुल्ला, T20 एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? T20 में खेला, क्या स्टैंडर्ड था, कैसी परफॉर्मेंस? 100 भी किया, कैसा देख रहे हो उसको? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, ये मेरा पहला टूर्नामेंट था और मैंने डेब्यू में 100 स्कोर किया, एंड काफ़ी अच्छी फीलिंग थी। और मैंने उस टूर्नामेंट के दौरान काफ़ी कुछ सीखा। और ओके, जी हम क्वेश्चन आंसर सेशन में जाते हैं। जी अकील भाई। भाई आपका माइक म्यूट है। आ गई आवाज, आ गई है जी। जी, रजा, ये अब्दुल्ला शफीक साहब को मौका मिला है, आप पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा बने हैं, तो क्या आपका मतलब है अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है या टीम में खेलने की, तो क्या आप समझ गए कि आप क्या करेंगे कि आप क्या करेंगे? माइक म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। काफी एक्साइटेड, जिम्बाब्वे की टीम जैसे आ रही है और मेरा पाकिस्तान की टीम की तरफ से नाम आया हुआ है, एंड कोशिश करूंगा मैं कि अपना 100% एफर्ट दूं एंड अपनी टीम के लिए बहुत कर लगा। सकूं वो उस टाइम में। यागु भाई प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा, आपकी वजह से काफी वो हो रही है डिस्टॉर्शन। प्लीज अपना माइक याकूब साहब म्यूट कर दीजिएगा। जी जी सुहेल प्लीज। अब्दुल्ला, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि टॉप ऑर्डर में अगर हम लोग देखते हैं तो खासा कंपटीशन पाया जाता है, इसमें यंगस्टर्स भी हैं, जैसे आप आए हो, इसके साथ साथ आपसे पहले एक्सपीरियंस फखर जमान, मोहम्मद हफीज, बाबर। एक तो ये कंपटीशन आप कैसा देख रहे हो, दूसरा क्या आप अलग करना चाहोगे कि किसी से इंस्पिरेशन है, क्या आप उसकी तरह खेलोगे और अपनी जब भी आपको मौका मिले आप अपनी सीमेंट जगह कर सकोगे, पक्की जगह कर सकोगे कौमी टीम में? डेफिनेटली टॉप ऑर्डर तो बहुत बड़ा है इस टीम में सारी में, बट मैं कोशिश करूंगा कि जब भी मुझे मौका मिले मैं अपना बेस्ट दूं, उधर 100% दूं एंड अच्छे चांस के लिए वेट करूं, उसके लिए प्रिपेयर अच्छे से करूं। याकूब साहब आप प्लीज माइक म्यूट कर दें प्लीज। जी सुहेल भाई, से आप रिपीट कर दें प्लीज अपना क्वेश्चन। रजा, पहले हाफ का तो मुझे क्वेश्चन मिल गया है, मैं इनसे दूसरा जो पार्ट था वो पूछना चाहूंगा कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिससे आपकी इंस्पिरेशन है, जिससे आप मुतासर हो और उस जैसा आप करने की कोशिश करोगे ताकि आप कौमी टीम में अपनी जगह जो है वो पक्की कर सको, बेशक वो इंटरनेशनली प्लेयर ऐसा हो जिससे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर हो और उसकी तरह खेलने की कोशिश करते हो आप? जी, मेरा इंस्पिरेशन बेसिकली है रिकी पॉन्टिंग है, मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ, कोशिश करता हूँ उनकी तरह खेलूं,
मैंने काफी उनको उनकी पुल शॉट जैसे कि और हाई बैक लिफ्ट है, मुझे वो काफी पसंद है और मैं कोशिश करता हूँ कि उनको फॉलो करूँ। और पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम भाई हैं और उनको काफी फॉलो करूंगा मैं, और वो ड्यूरिंग द कैंप उनसे काफी चीजें सीखूंगा भी मैं, एंड कोशिश करूंगा कि अपनी गेम को और इम्प्रूव कर सकूं जितना कर सकता हूँ। जी जिशान यूसुफ साहब एंड अंस प्लीज। जी अब्दुल्ला, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताएं कि आपको एक यंग कैप्टन और एक यंग वाइस कैप्टन मिला है, तो इससे आप ये समझते हैं, क्या समझते हैं आपके, आपको कितनी इंस्पायरेशन मिलेगी कि आप भी जो है वो पाकिस्तान को इस लेवल पे जाके जो है वो लीड कर सकते हैं, और कितना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा इससे? वालेकुम असलाम। जी है कि काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा, हमारी जैसी टीम सारी इवन यंग है, और हम जैसे कि कैप्टन यंग है हमारे और वाइस कैप्टन, तो इनको देखते हुए हमने क्रिकेट स्टार्ट किया लाइक जब से खेल रहे हैं, तो बहुत अच्छा फील होगा। एंड इनसे जितना कुछ सीख सके मैं इस टूर्नामेंट में सीखूंगा ताकि अपनी गेम को इम्प्रूव कर सकूं एंड पाकिस्तान को सर्व कर सकूं अच्छे तरीके से। अब्दुल्ला, टीम के इंतखाब से पहले बहुत से यंगस्टर के नाम लिए जा रहे थे, आपको यकीन था कि आपका नाम होम सीरीज के लिए फाइनल स्क्वाड में आ जाएगा, और कितने एक्साइटेड हैं जब आपका नाम होम स्क्वाड के लिए अनाउंस हुआ तो पहली बार टीम में आने का? जी बिल्कुल, मुझे ये उम्मीद तो नहीं थी, लाइक कोशिश थी कि मैं अच्छा करूँ उधर और अच्छा परफॉर्म कर सकूँ, और मैंने जिधर अच्छा परफॉर्म किया एंड देन उसके बाद नाम आया तो काफी एक्साइटेड था और काफी खुश था टीम को ज्वाइन करने के लिए। लाइक ये जब भी कोई क्रिकेट स्टार्ट करता है तो उसका एक एम होता है कि वो शुरू से ना लाइक अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके, और मेरा भी एक ख्वाब था, गोल था कि मैं अपनी क्रिकेट टीम पाकिस्तान उसमें नाम आए, और लकीली मेरा नाम अनाउंस हुआ अभी, तो फोकस मैं यही कर रहा हूँ कि इसमें अपना 100% दो और अच्छी एफर्ट। अब्दुल्ला आपके वालिद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, आपने उनसे क्या सीखा है और अभी भी उनसे किस ना किस टिप्स लेते रहते हैं? वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है एंड फैमिली की तरफ से मुझे काफी सपोर्ट है, और जो अब्बू हैं वो काफी कॉल्स भी करते हैं लाइक मुझे समझाते रहते हैं ड्यूरिंग कॉल्स के ये ऐसे करना है, मेरे फर्स्ट कोच वो ही हैं, देन उसके बाद मेरे चाचू हैं, तो फैमिली हमारा बैकग्राउंड क्रिकेट से ही जुड़ा हुआ है, तो मुझे काफी हेल्प मिलती है इससे अपनी गेम को इम्प्रूव करने में और क्रिकेट खेलने में। जी अबू बकर, एहतिशाम एंड बाकरी। अब्दुल्ला, मेरा क्वेश्चन ये था कि हर प्लेयर की बहुत सारी कुछ ना कुछ वीकनेस से जरूर होती हैं, लेकिन प्लेयर्स की कुछ स्ट्रेंथ होती हैं, तो आपकी क्या स्ट्रेंथ है? क्या आप समझते हैं कि कौन सी ऐसी शॉट है जो आपकी स्ट्रेंथ है? जी मेरी स्ट्रेंथ तो पुल शॉट है, कट पुल शॉट, क्योंकि मैं टॉप ऑर्डर पे खेलता हूँ तो आपको वो चीजें काफी अच्छी करनी पड़ती है उस लेवल पे उस खेलने में लाइक टॉप ऑर्डर में, तो मैं उनको मैं समझता हूँ कि मेरी वो शॉट ज्यादा अच्छी है, पुल शॉट एंड कट शॉट, वो ड्राइव्स कवर ड्राइव। ये शामिल जी अब्दुल्ला, आपने जैसे कि कनाडा पंजाब से खेलते हैं, वहां भी काफी सीनियर प्लेयर्स हैं उनके साथ आपको, लेकिन अब ये इंटरनेशनल नया सिनेरियो है, नए कोचिज हैं और एक कंपटीशन ज्यादा होगा, तो यहाँ आप इस लर्निंग में जाओगे या आपको कौन अभी अपील कर रहा है कि जिसके साथ ज्यादा अटैच हैं आप? जी बिल्कुल, ये एक अलग एक्सपीरियंस है, बट मैंने इसके लिए काफी हार्ड वर्क किया हुआ पीछे, तो मैंने अब ये नहीं सोचना कि ये नया एक्सपीरियंस है, लाइक उसी तरह खेलना है, कोशिश करनी है जैसे मैं नेशनल T20 कप में पीछे खेलता आ रहा हूँ, तो कोचिज और सब मैनेजमेंट की तरफ से काफी सपोर्ट है, मैंने काफी कॉन्फिडेंस दिया है, तो मुझे बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता एक अलग लेवल का क्रिकेट खेल रहा हूँ, बट डेफिनेटली ये एक इंटरनेशनल लेवल है, इस पे अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उसी तरह अपनी गेम को कैरियर कर सकूं, साथ साथ जितना इम्प्रूव करना हो सके उतना करूं।
अबू बकर प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा। श्याम भाई यहाँ पे जी, बाकरी उस्मान, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस नेशनल T20 कप में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इस इवेंट का इनाकाद किया था, आप सामने आए हो और बहुत सारे लड़के सामने आए हैं, तो क्या कहोगे इस नेशनल T20 कप की जो अपॉर्चुनिटी थी, इसने आपकी लाइफ बदल दी है, तो इस इवेंट के बारे में क्या कहोगे और जो ये प्लेटफॉर्म मिला था ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म था, और बाकी नौजवानों को क्या कहोगे? जी, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था। इस जो टूर्नामेंट में काफी यंगस्टर्स आए हैं, काफी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, और एक यंगस्टर्स को यही चाहिए कि उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। और हमारी टीम में भी 3 डेब्यूज थे, 2-3 U19 के प्लेयर्स साथ में खेले हैं मेरे, तो काफी अच्छे थे। इससे प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट अप होगा और वो साथ सीखेंगे कि उनको क्या चीजों की जरूरत है, किस तरह वो अपनी गेम को और इम्प्रूव करेंगे। सो बहुत फायदा हुआ इस टूर्नामेंट से हमें, एंड काफी अच्छा रहा ये सब। जी उस्मान, हाफिज शहबाज एंड सबा प्लीज। अच्छा अब्दुल्ला, बबल के अंदर आज दूसरा रोज है आपका, तो कैसा लग रहा है बबल के अंदर ये बताएं, और दूसरा कि पाकिस्तानी टीम के अंदर जो प्लेयर्स हैं किसके साथ ज्यादा फ्रेंडशिप बन गई है आपकी? जी, कल हमारा अराइवल था टीम का और आज मीटिंग थी सुबह एंड जिम था साथ, तो सब कुछ काफी अच्छा चल रहा है। जी, टीम में मेरे साथ 2-3 यंगस्टर्स थे जो हम साथ पीछे U19 में खेलते आ रहे हैं, तो उनके साथ मेरी काफी है, बाकी सब के साथ भी मेरी अच्छी हो रही है। हम मिले हैं सब, बाबर भाई सब, ये अब इनसे भी मिलना शुरू हो गया हूँ, तो सब काफी अच्छे हैं, सबसे ठीक रहा है सब। जी हाफिज शहबाज, हाफिज आवाज आ रही है आपको? ओके, सब आपको आवाज आ रही है, प्लीज क्वेश्चन करिएगा। हाफिज सब, आप दोनों में से आवाज आ रही है दोनों को? ओके, आई थिंक उनको आवाज नहीं आ रही। मेरा सवाल हो गया, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सबका ज्वाइन करने का। 4 बजे जी प्रैक्टिस है पाकिस्तान टीम की, और कल प्रैक्टिस मैच होगा इंशाल्लाह, परसों फिर हम सेशन के साथ अवेलेबल होंगे आपके। आप सबका बहुत शुक्रिया, अब्दुल्ला आपका थैंक यू, और सबका दोस्तों का ज्वाइन करने का थैंक यू वेरी मच।